हम लोगों ने 40 बेड का अस्पताल प्रेस क्लब के बिल्डिंग में स्थापित किया है, जो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। देखिए, मिशन ब्लू फाउंडेशन ने हमेशा से जिला प्रशासन और सरकार के साथ समन्वय बना के काम करने की पॉलिसी बनाई है, जिससे कि हम बेहतर तरीके से और प्लान्ड वे में काम कर सकें। नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के साथ में हम लोगों ने कोलेबरेट किया और पूरे राज्य में जितने भी आउटबाउंड कॉल्स थे सरकार के NHM के डेटा से, उसमें जितने भी कोविड आइसोलेशंस में घर पे पेशेंट थे, उनको हम लोगों ने हमारे संस्था के वॉलेंटियर्स ने कोऑर्डिनेट किया आउटबाउंड कॉल्स और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना। 104 के लिए सारा का सारा कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने इंश्योर किया, हमारे वॉलेंटियर्स आज भी उस पर कार्यरत हैं। हमने जिला प्रशासन रांची के साथ मिल करके सदर हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स की टीम लगाई, जो डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ पेशेंट्स के बीच में समन्वय स्थापित करने, उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। आज भी वो निरंतर तीनों शिफ्ट में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बेबी फूड हेल्पलाइन बनाया, जो ऐसे पेशेंट्स थे जिनके बच्चे अकेले रह गए हों या मदर फादर घर पे आइसोलेटेड हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग ऑन कॉल बेबी फूड सप्लाई कर रहे हैं। वो लगातार ये हमारा मुहिम चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने इस आप कह सकते हैं कि बड़ी विपदा के समय में जहां हॉस्पिटल्स की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा था, कई लोगों का आपने सुना होगा कि बेड के चलते उनकी डेथ हो गई, इलाज नहीं हो पाया। हम लोगों ने 40 बेड का अस्पताल प्रेस क्लब के बिल्डिंग में स्थापित किया है, जो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इसमें 10 बेड पत्रकारों के लिए हम लोगों ने बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पर किया है और बाकी के 30 बेड भी सिर्फ पूरे सभी फैसिलिटीज़ के साथ में राज्य की जनता के लिए बहुत ही कम दर पे हम लोगों ने अवेलेबल कराया। हमने बिरसा मुंडा कोविड केयर हॉस्पिटल जो स्थापित किया है, उसमें एक वार्ड बच्चों के लिए बना रहे हैं। साथ ही साथ हमने 12 डॉक्टर्स की और नर्सेस की टीम बनाई है, जो ऐसे परिस्थिति में घर जाकर बच्चों का इलाज करेंगे। उनके सारे लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। बच्चों के लिए जो अलग से खास बेड लगता है हॉस्पिटल में, वो बेड की व्यवस्था भी हम लोगों ने आज से शुरू कर दी है। और बेबी फूड हेल्पलाइन, दवाइयों की सुविधाएं, ये सब चीज़ के लिए हम मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से लगातार प्रयासरत हैं और बहुत बृहद स्तर पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, सुदूर क्षेत्र में ही हम लोगों ने ज़्यादा प्रयास किया है काम करने का, क्योंकि शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा, दवाइयों की सुविधा और अन्य जितने भी डॉक्टर्स या मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस जो भी आप कह लीजिए, वो शहरी क्षेत्रों में फिर भी मिल रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसको लेके परेशानी है। और कोरोना का जो लहर है, जो हमने भी नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अब ये मुड़ गया है, गाँव में इसको लेके ज़्यादा परेशानी है। तो हमारा फोकस गाँव पे ही ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ पे हम लोग काम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं।